खबर नागदा से पूर्व विधायक दिलीप गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों किसान उतरे सड़कों पर। सोयाबीन की न्यूनतम मूल 6000 मांग पर अड़े किसान। कांग्रेस प्रदेश कमेटी अध्यक्ष जीतू जी पटवारी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में किसानों की सोयाबीन फसल का समर्थन मूल्य 6000 रुपये करने। पीला मौजक से खराब हुई सोयाबीन फसलों का सर्वे करवाने। घोटा रोज से मुक्ति, बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि। खस्ता हाल सड़कें, महिलाओं बालिकाओं से दुराचार। अज्जा अजजा अल्पसंख्यक वर्गों पर अत्याचार आदि मुद्दों के निराकरण को लेकर ब्लॉक और शहर कांग्रेस कमेटी नागदा खाचरौद द्वारा पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय खाचरौद से नागदा तक किसान न्याय यात्रा के तहत विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। ट्रैक्टर रैली में सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। ट्रैक्टर रैली कांग्रेस कार्यालय खाचरौद से प्रारंभ होकर स्टेशन रोड, पुराना बस स्टैंड होते गोपाल मार्ग, नए बस स्टैंड से नागदा रोड होते हुए चौकी, बुरानाबाद, उमराना, उमरनी, भगतपुरी से नागदा चंबल मार्ग, मिर्ची बाजार, MG रोड, जवाहर मार्ग होते हुए पुराना बस स्टैंड नागदा पर खत्म हुई। यात्रा के समापन पर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार मुकेश सोनी को दिया। पूर्व विधायक गुर्जर ने संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश का अन्नदाता किसान इस समय आर्थिक परेशानी से जूझ रहा। पीला मौजक बीमारी से सोयाबीन और अल्पवर्ष की फसलों को नुकसान हुआ। क्षेत्र के 50% किसानों की सोयाबीन फसल में फल ही नहीं लगा। किसान लगातार घोटा रोज पर अंकुश लगाने की मांग पर शासन ध्यान नहीं दे रहा। भेदभाव और अत्याचार हो रहा। ट्रैक्टर रैली को विधायक दिनेश जैन बोस, उज्जैन जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल, जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पवार, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा, नागदा ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष धारा सिंह सुरेल, युका विधानसभा अध्यक्ष जीवन ढोला, पाटीदार, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भीमराज मालवी आदि ने संबोधित किया। खबर भारतवर्ष के लिए नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।